हेलो एवरीवन, आज मैंने बनाया है तवा चिकन। इसके इंग्रेडिएंट्स मैंने स्क्रीन पे दे दिए हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ में एंड में मैंने इसके गार्निशिंग की है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। तवा चिकन बनाने के लिए मैंने लिया हुआ है 500 ग्राम चिकन बोनलेस थाई के पीसेस। इसे मैंने छोटे रेक्टेंगुलर पीसेस में शॉप से ही कट करवा लिया है। चिकन के पीसेस जितने छोटे होंगे तवा में चिकन उतनी ही जल्दी पकेंगे। इस चिकन को हम पहले मैरिनेट कर लेंगे लेमन जूस, नमक और जिंजर गार्लिक पेस्ट में। इसे हम अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देंगे। अब हम इसका तवा मसाला बना लेंगे। उसके लिए हम एक पैन में 2 टेबलस्पून धनिया के बीज, 2 टेबलस्पून काली मिर्च के दाने, 1 टेबलस्पून जीरा साबुत, 1 टीस्पून मेथी के दाने, 2 तेज पत्ता और 1 से 2 इंच दालचीनी ले लेंगे और इन्हें धीमी आंच पे 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे। हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से खुशबू ना आने लगे। इसे भूनने के बाद इसे हम एक जार में डाल के इसका पाउडर बना देंगे। अब हम एक पैन में बटर और ऑयल लेंगे। मक्खन और ऑयल गर्म होने के बाद इसमें हम स्लाइस किया हुआ अनियन डाल लेंगे। अनियंस को हमें हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक भूनना है। हम इसे हाई फ्लेम पे भून रहे हैं, इसलिए इसे लगातार चलाते रहेंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 3 हरी मिर्च और स्लाइस किया हुआ टोमेटोस और दोबारा 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे भुनेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन के पीसेस। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच तवा मसाला जो हमने बनाया था। इन इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढक लेंगे जिससे कि चिकन के पीसेस अच्छे से पक जाए। ढक्कन को खोलने के बाद हम दोबारा से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 से 6 मिनट तक भून लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मक्खन और धनिया। अब एंड में हम इसे अदरक, अनियन, टोमेटो, नींबू और धनिया के पत्तों के साथ गार्निश कर लेंगे।